बाहर से देखने में जितनी क्रिस्पी लग रही है खाने में भी उतनी टेस्टी होगी। अंदर से इसका आलू का स्टफिंग और बाहर से बेसन का एक मोटी सी लेयर जो कि बहुत ही खाने को मज़ेदार बनाती है। इसका नाम है जोधपुरी मिर्च वड़ा जो कि बहुत खाने में टेस्टी लगती है और ये बहुत ही ईजी है बनाने में भी। तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। मिर्च वड़ा बनाने के लिए हमने ले लिया है जोधपुरी ये मिर्ची और ये आपको बाज़ार में मिल जाएगी। इसको हमने अच्छे से धो लिया था, अच्छे से क्लीन कर लिया था, उसके बाद इसको कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है। उसके बाद इसको हम लगाएंगे बीज से कट, और कट लगा करके इसके जितने बीज हैं उसको हम निकाल देंगे। अगर आप बीज इसमें छोड़ देंगे तो ये खाने में और भी तीखा लगेगी, तो इसलिए इसका बीज निकाल दीजिए। अगर आपको तीखा पसंद है तो बीज रहने दीजिए, नहीं तो आप इसके सारे सीड्स निकाल दीजिए। इसी तरीके से हम सारे मिर्च के जो बीज हैं उसको हम निकाल देंगे। और ये देखिए हमारी जो मिर्च है वो रेडी है। अब चलते हैं इसके हम स्टफिंग बनाने के प्रोसेस में। तो स्टफिंग बनाने के लिए हमने ले लिया एक बड़ा सा कटोरा और इसमें हमने डाल दिया है 2 से 3 उबले हुए आलू। आलू को हमने मैश करके ऐड कर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे कटा हुआ प्याज, छोटा छोटा कटा हुआ मिर्ची, और इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे जो कि है 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और सेजवान सॉस, और हमने ऐड किया है मंगरेल और अजवाइन। अब इस तरीके से हाथों की सहायता से इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए हमारी जो स्टफिंग है वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुकी है और सारे मसाले भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब इसके करेंगे स्टफिंग। तो स्टफिंग करने के लिए हमारी जो मिर्ची है वो अंदर से देखिए कितनी क्लीन हो चुकी है। अब इसे में हम स्टफिंग करेंगे। तो हमने ले लिया है छोटा सा क्वांटिटी और बीच से हम इसको डालते हुए इसको प्रेस करते हुए ताकि इसकी स्टफिंग है कुछ ज़्यादा जाए, इसलिए मैंने इसको प्रेस करते हुए इसकी सारी स्टफिंग भर दिया है कुछ इस तरीके से। याद रखिएगा कि आपकी मिर्ची जितनी बड़ी होगी उतना स्टफिंग इसमें जाएगा। अगर आप मार्केट में मिर्ची लेने जा रहे हैं तो याद रखिएगा कि पतली लेयर वाली आप मिर्ची चूज़ करिए। मोटी लेयर वाली रहेगी तो अच्छे से पकेगी नहीं और अंदर की जो स्टफिंग है वो ज़्यादा स्टफ़ नहीं होगी। इस वजह से हमारी जो मिर्च वड़ा है वो खाने में भी अच्छी नहीं आएगी और मज़ेदार नहीं बनेगी। और कुछ आलू जो है उसको हम बाहर में भी कोट कर देंगे ताकि हमारी जो बेसन की लेयर है वो अच्छे से कोट हो जाए और खाने में भी बहुत ही क्रिस्पी लगे। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम सारे मिर्च में स्टफिंग भर के उसको अच्छे से रोल करके और रख देंगे साइड में। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी जो मिर्ची है बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुकी है और कितनी टेम्पटिंग लग रही है, कितनी टेस्ट लग रही है। अब इसको हम करेंगे फ्राई। फ्राई करने के लिए पहले हम बना लेंगे बैटर। तो बेसन का बैटर बनाएंगे। तो बेसन हमने ले लिया है 1 कप, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, और डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसको हम घोल लेंगे। बेसन का घोल बनाते समय हम ध्यान रखेंगे कि हम ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करेंगे। पहले थोड़ा सा पानी यूज़ करेंगे, उसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, उसके बाद हम मिक्स करेंगे। इस तरीके से क्या है आपको ये पता चलेगा कि आपकी जो बेसन का घोल है वो मोटा बन रही है या पतला बन रही है। तो हमें ज़्यादा ना मोटा चाहिए ना पतला चाहिए, बिल्कुल मीडियम चाहिए। इतना चाहिए कि हमारी जो मिर्च है वो बिल्कुल अच्छे से कोट हो जाए। तो ये देखिए हमारी जो बेसन की घोल है वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब इसकी जो हमारी मिर्च थी वो मिर्च को अच्छे से उसमें डिप कर देंगे। उसके बाद जो आधा हिस्सा बचा हुआ है उसे हम चम्मच की सहायता से इस तरीके से कोट कर देंगे और बिल्कुल अच्छे से कोट करके इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए हमारी जो मिर्च है बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब हमने ले लिया है सरसों तेल और सरसों तेल में इसको हम फ्राई करेंगे। तो इसको आप सरसों तेल में बनाइए, बहुत टेस्टी लगता है। अगर रिफाइंड ऑयल में बनाएंगे तो टेस्ट थोड़ा सा डाउन हो जाता है, लेकिन सरसों तेल में बनाएंगे तो वो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, बिल्कुल मार्केट जैसी। तो देखिए हमने इसको पलट पलट के अच्छे से पका लिया है और ये छोटे छोटे बेसन के पार्ट हैं ना, इसे हम निकालते रहेंगे, नहीं तो हमारी तेल जो है वो गंदी हो जाएगी, मतलब ये जल जाएगा और जल के इसमें टूट जाएगी, तो हमारी जो तेल है वो ब्लैक ब्लैक हो जाएगी। इस वजह से सारी जो बेसन के टुकड़े उसे हम निकालते रहेंगे। और ये देखिए अच्छे से हमारी जो मिर्च वड़ा है वो पक रही है। तो जोधपुरी मिर्च वड़ा है जो बहुत टेस्टी लगती है खाने में और इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स, अपने
जो भी गेस्ट होंगे उन्हें ज़रूर खिलाइएगा। तो इस जोधपुरी वड़ा को मैंने सर्व किया है ग्रीन चटनी के साथ और कुछ रिंग्स अनियन के साथ, और देखिए खाने में कितनी टेस्टी लग रही है, और है भी बहुत टेस्टी, अंदर से जूसी बाहर से क्रिस्पी और बहुत टेस्टी है खाने में। तो इसे आप अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेम्बर और अपने जो भी गेस्ट होंगे उनके साथ मेरी रेसिपी ज़रूर शेयर करिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, और वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया होगा उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना अपना ध्यान दीजिए और सेफ रहिए। बाय बाय।